आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरावटी में जे में और आज की क्लास में हम 10 शब्द करेंगे और उनसे जुड़े वाक्य करेंगे तो यदि आप लोग हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोग को तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं चलिए पहला शब्द है और ती का मतलब होता है आपका शुरू से ठीक है शुरू से तो बोल ही रहे हैं साथ में से हम आरंभ से भी आरंभ से अगर लिखा हो तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यानी कि शुरू से यानी कि आरंभ से तो इसका एग्जाम्पल है एन और तिम दो रदन एन और तिम दो रदन यानी कि मैं शुरू से ही अच्छा हूँ ठीक है यहाँ पर ओर तिम लिखा तो और ती ही था लेकिन जब मैंने मां प्रत्यय लगाया तो इसका मतलब भी बदल गया तो ये इस तरीके से लिखा गया तो और तिम का मतलब अब हो जाएगा शुरू से ही तो जो मां प्रत्यय लगा है ना उसका हिंदी में मतलब होता है ही तो इनका मतलब होगा मैं और तिम यानी कि शुरू से ही दौर अदन यानी कि अच्छा हूं दूसरा शब्द है डरिया डरिया का मतलब होता है डरपोक ठीक है डरपोक या फिर इसके लिए डरपोकना वर्ड भी यूज़ किया जाता है दरिया के आ, अलावा तो एन दरिया मलकन एन दरिया मलकन यानी कि मैं डरपोक मलकन यानि कि नहीं हूँ तीसरा शब्द है तबे तबे का मतलब होता है तभी और इसका एग्जाम्पल है आस कालोस तबे एन कालोन आस यानी कि वह कालोस यानी कि जाएगा तब कालोन यानी कि मैं जाऊंगा चलिए आगे देखते हैं तबकिर तबकिर का मतलब होता है उस बार या फिर उस समय तो उस बार भी मतलब होता है और उस समय भी होता है तबकिर का मतलब और इसका एग्जाम्पल है एन तबकिर एन मल बर्ज का रहचकन यानी कि तबकिर मतलब उस समय मैंने यहाँ पर उस समय ले लिया उस बार भी हो सकता था एन यानी कि मैं मल नहीं बर्ज का रहचकन यानी कि आया था उस समय मैं नहीं आया था या उस बार मैं नहीं आया था ये सेंटेंस फीमेल भी यूज़ कर सकती है चलिए नेक्स्ट है पटचान पटचान का मतलब होता है प्रतिवर्ष यानी कि हर साल प्रतिवर्ष को हम हर साल भी कह सकते हैं तो हर साल हो या प्रतिवर्ष हो हम इसके लिए पटचान शब्द इस्तेमाल करेंगे इसका सेंटेंस है, है पटचान एड़पा कादन पटचान यानी कि प्रतिवर्ष यानी कि हर साल एड़पा यानी कि घर कादन यानी कि जाता हूँ इस सेंटेंस को फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं आगे है बनार या इसे हम बनर भी कहते हैं इसका मतलब होता है एड्रेस यानी कि पता ठीक है घर का पता एन आस गही बनर बलदन एन यानि कि मैं आस गही उसका बनर पता बलदन यानी कि नहीं जानता हूँ यानी कि मैं उसका पता नहीं जानता हूँ फीमेल भी इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकती हैं चलिए आगे चलते हैं सातवां नंबर का जो हमारा शब्द है इसको हम बाद ठीक है बाद का मतलब वो हिंदी वाला बाद नहीं है बाद का मतलब शर्त होता है यानी कि जिसे हम बाजी भी कहते हैं या दाव भी कह सकते हैं शर्त भी कह सकते हैं तो बाद का मतलब शर्त होता है तो बाद ठुका बाद ठुक आ इसका मतलब हो जाएगा शर्त लगाओ या फिर बाजी लगाओ या फिर दाव लगाओ ध्यान रखिएगा कि ये सेंटेंस मेल के लिए है अगर हम किसी मेल से कह रहे हैं कि शर्त लगाओ तब हम उसे यहाँ पर ये कहेंगे बाद ठुक लेकिन अगर फीमेल होंगी तो ठोक की जगह ठोक हो जाएगा बाद ठोक ठीक है बड़े आ से हमने आ की मात्रा हटा दी और उसके बाद हमने या को ऐड कर दिया तो बाद ठोक ये फीमेल के लिए हो जाएगा आ... मुझे एक बात याद आ रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि कमेंट में कि हम कुरुख क्यों सीखें आप लोगों को पता तो होगा ही कि मैं ऑनलाइन ट्यूशन कर, क्लास कराती हूँ लाइव क्लासेस कराती हूँ जूम ऐप में तो उसमें बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं ठीक है कोई बहुत बु, बुज़ुर्ग है कुछ बहुत ही यंग हैं तो उनमें से एक ने अपनी बातें मुझसे शेयर की थी तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि मैडम हमारे मतलब कि उनका जो रिश्तेदार उनके कोई रिश्तेदार है तो उधर वो गए हुए थे तो वहाँ पे ना हर कोई कुड़ुख बोलता है चाहे आपका सब्जी बाज़ार गए वहाँ पर भी सभी लोग लोगड़ुख बोल रहे घर में भी सभी लोग लोगड़ुख बोल रहे तो हर जगह कुड़ूख का माहौल था लेकिन उन्हें कुड़ुख नहीं आता है और वो शा वो साधरी में मतलब कि बात करते थे तो जब भी कोई उनको कुड़ुख बोलता है तो छोटे छोटे सेंटेंस तो पकड़ लेते हैं लेकिन लंबे सेंटेंस वो पकड़ नहीं पाते हैं तो जब उन्हें कोई कुड़ुख बोलता है तो वो साधरी बोलते हैं तो जो कुड़ुख में बोल रहे हैं तो वो साधरी में उतरते ही नहीं हैं और वो उन्हें साधरी में उतारने की कोशिश करते हैं तो यही बात उन्होंने अपनी हमसे शेयर किया तो हम लोग बहुत हंसे क्लास में तो यही चीज़ मैं बताऊँगी कि आ, उनको वहाँ पर का बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उन, उन लोग उन्हें बोका कुड़ुख और भी बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है जिन्हें कुड़ुख नहीं आता बोका कुड़ुख या तो फिर उन्हें कहा जाता है डुप्लीकेट कुड़ुख और ये तो मैं बहुत दूर की बता दी हमारे जो मैनेजर हैं उन्हें खुद ये चीज़ कहा गया था जब वो महुआ डार के तरफ गए हुए थे तो उधर के लोगों जिनको भी कुड़ुख नहीं आता है तो उनको यही कहा जाता है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है जिन्हें कुड़ुख आता है उन्हें कुड़ुख सिखाना चाहिए बोका कुड़ुख कह कर के कोई फ़ायदा नहीं है और अगर आप लोग अपनी कुड़ुख लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो आप अपनी पहचान खो देंगे ठीक है क्योंकि भाषा ही हमने एक दूसरे से जोड़ती है आधा मतलब और लेक्चर नहीं दूंगी वरना क्लास बहुत लंबा हो जाएगा चलिए आठवां नंबर है हबड़ी हबड़ी का मतलब होता है बातचीत ठीक है बातचीत हबड़ी नन्ना का मतलब होता है बातचीत करना हबड़ी का मतलब बातचीत नन्ना मतलब करना नेक्स्ट है रायबड़ी रायबड़ी का मतलब होता है न्याय ठीक है न्याय हो गया या फैसला हो गया या निर्णय हो गया इन सब के लिए हम रायबड़ी शब्द इस्तेमाल करते हैं मोहिन एरा एरा राय बड़ी नन्ना यानी कि मोहिन यानी कि चेहरे को एरा एरा यानी कि देख देख कर रायबड़ी न्याय या निर्णय या फैसला नन्ना यानी कि करना मोहिन एरा एरा राय बड़ी नन्ना चेहरा को देख देख कर न्याय करना चलिए दसवां नंबर का सेंटेंस है और आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस है दिनकी दिनकी का मतलब होता है प्रतिदिन ठीक है प्रतिदिन कहने का मतलब हर दिन इसका एक पर्यायवाची शब्द भी है नितकी दिनकी का मतलब भी प्रतिदिन होता है और नितकी का मतलब भी प्रतिदिन होता है तो इसका एग्जाम्पल है दिनकी मंडी एमागे चिया यानी कि प्रतिदिन मंडी यानी कि प्रतिदिन का भोजन एमागे यानी कि हमें चिया यानी कि दो प्रतिदिन का भोजन हमें दो तो दिन की की जगह मैं नित्य के शब्द पर इस्तेमाल कर सकती थी आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही करेंगे और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप लोग मुझसे लाइव ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हर महीने की पाँच तारीख से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होता है तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे क्लास कैसा था आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू